किसान विरोधी काले कानूनों और धान की फसल की हो रही दुर्गति के कारण किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। शाहबाद में भारतीय किसान यूनियन की चुनिंदा लोगों की बैठक में निर्णय लिया गया है कि इस बार किसान दशहरे पर्व पर रावण का पुतला नहीं जलाएंगे, बल्कि अहंकारी नरेंद्र मोदी का पुतला जलाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा है कि अहंकारी नरेंद्र मोदी ने भारत माता को बेचने तक का सौदा अपने चहेते पूंजीपतियों से कर लिया है और इनके शासनकाल में किसानों की दुर्गति हो रही है, उनकी फसलों की बेकदरी हो रही है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि ये निर्णय लिया गया है, सभी किसान ब्लॉक स्तर पर दशहरे वाले दिन एकत्रित होकर के दोपहर 1 बजे ना केवल नरेंद्र मोदी का पुतला जलाएं, बल्कि 10-30 वाले रावण के प्रतीक के तौर पर नरेंद्र मोदी के सहयोगी मंत्रियों के पुतले भी एक साथ जलाएं, ताकि इनको पता चल सके कि भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे सभी किसान एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने क्या कहा, वो भी आप सुन लीजिए। साथियों नमस्कार। साथियों, आज भारतीय किसान यूनियन के मुख्य मुख्य लोगों की मीटिंग शाहबाद में बुलाई गई थी और फैसला लिया है कि इस बार के दशहरे पर भारत के अहंकारी रावण, जिसने भारत माता को बेचने तक के सौदे कर लिए हैं, जो देश के पूंजीपति हैं, भारत माता को उनके पास बेचा जा रहा है, उस अहंकारी रावण नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया जाएगा इस दशहरे पे। और मेरा सब भाइयों से अनुरोध है कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने ब्लॉक में सभी भाई इकट्ठे हों और सभी भाई इकट्ठे होके इस अहंकारी रावण का, नरेंद्र मोदी का इस बार पुतला जलाएं। और उसके साथ, क्योंकि रावण के 10 सिर थे, अपने अपने इलाके की जो नेता हैं उनके फोटो इसके साथ और लगाएं, क्योंकि मोदी के जो है ये लोग जो सपोर्टर हैं, जो हमारे मंत्री हैं, उनके पुतले साथ में लगा के और इस दशहरे पे दोपहर को 1 बजे सभी भाई अपने अपने ब्लॉकों में अब की बार हिंदुस्तान के रावण नरेंद्र मोदी के पुतले जलाएं। धन्यवाद।